जय जगन्नाथ, जय माँ चंडिकाई। नवमोध्याय ध्यानम ओं बंधुक कंचन निभं रुचिराख्य मालं पासंकु शौच बरदा निज बाहुदंडे विभ्राणमिंदु सकल भरणं त्रिनेत्रं मर्दाम्बिके समनीशं वपुराश्रयामि। ओं राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देवाश्च ऋतमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूये सेच्छामहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकुर शुम्भजत्कर्मं निशुम्भश्चति कोपनः। ऋषिरुवाच चकुरक मम तुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुर निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु च हवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुत्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः संसदष्टपुटा क्रुधा हन्तु देवीमुपाजुतः। अजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि सुबलैर्भूतं नियतुं चण्डिकां कोपात् कृतां युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्ध्यमतिवासी केभ्यः शुम्भो निशुम्भयो सर्वर्षमतिबोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। चिच्छे दास्तां छरास्ताभ्यां चण्डिकां संसरोत्तरौ ताड़यामास चंगेषु शस्त्रौ घरै सुरासुरौ। निशुम्भ निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभं अडाडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्यवाहनमुत्तमं। ताडिते वाहने देवी कुरप्रेणा सिमोत्तमं निशुम्भ स्यासु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चंद्रकं। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति विक्षेप शोशुर ताम पश्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतं। कुपद्रात्मोज निशुम्भतो शूलं जग्राह दानव आयत मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य चूर्णयत। अविध्याथं गदां सोऽपि विक्षेप चण्डिकां प्रति सापी देव्या त्रिशूलेन भिन्न भस्म त्वमागता। तत परशुहस्तंत यन्त दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोर्घ्यै इरपातयत भूतले। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्जतीव संक्रुध प्रजजौ हन्तु मम्बिकां। सरथस्तथा तु चै गृहीतं परमायुधै भुजैरष्टाभिरर्तुलै व्याप्य शेषं बभौ नवः। तमायतं समालोक्यं देवी शङ्खमवादयात् चाशब्दं चापि धनुष चकारातिव दुःसहं। पूरयामास ककुभ निज घण्टा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवद विधायिन। ततः सिंहो महानादै स्त्याजिते भव महामदै पूरयामास गगनं गान्तत्यैव दिशो दश। ततः काली समुच्छत्य गगनं क्षामस्ताडयत् कराभ्यां तानि नादेन प्राक्सो नादस्ते तिरोहितं। उटाट हास्यमशिवं शिवदूतिं चकारहं तैशब्दैर सुरास्त्रेषु शुभं कोपं परं जजौः। दुरात्म शिष्टतिष्ठेति व्याज हराम्बिका जदा तदा भयेत्यभीतं देवैराकाशंस्थितौ। शुम्भे नागत्य जा शक्तिर्मृदा ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकुटाभ्या सा निरस्त्रामहोल्लया। सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातः निःस्वनो घोर जितवान् वपनिते।
शुंभ मुक्तान शरण देवी शुंभस्तत्प्रहितान शरण विच्छेद स्वसरै रुग्रै शतशोथ सहस्रश ततः सा चंडिका क्रुधा सुलेनाभि जघान्तं सं तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुंभ संप्राप्य चेतना मत कार्मुकः आजघन शरीर देवी काली के सहरिणं तथा पुनश्च कृत्व बाहुना मयूतं धनुजेश्वर चक्रायुधेन दिशिज स्मादयामास चंडिकां ततो भगवती क्रुर्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरै सायंकांश्चतान् ततो निशुंभ वेगेन गदमादय चंडिकां अभ्यधावत विहन्तु दैत्यसेना समाहृत तस्य पततय बाणु गदां विच्छेद चंडिका खड्गेण शीतधारेण सच शूलं समादते शूलहस्तं समयान्तं निशुंभ ममरार्दनं हृदि बिव्याध शूलेन बेगा विद्धेन चंडिका विनश्य तस्य शूलेन हृदयानि स्मृतो पर महाबल महावीर्य स्तिष्ठति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरसिदेत खड्गेन ततो सावपत भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रं द्रंष्टं कुर्ण शिरोधरान् असुरांस्तंस्तथा काली शिवदूती तपापरान् कुमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्ने सुरमहासुरा ब्राह्मणी मंत्रपुतेन तोयोनन्ये निराकृतः तोयोनन्ये निराकृतः महेश्वरी रात्रिशूले न भिन्ना पेतुस्तथा परे वराही तुण्डघातेन केचिर्जुनी कृता भुवि खंड खंड चक्रेण वैष्णवादन वाकृता ब्रजेण चंद्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद विनेशुर सुरा केचिद नष्टा महाभवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगार्धिपे ओंगीति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनंतरे देवी महात्म्ये निशुंभवधो नाम नवम अध्याय दशमोध्याय ध्यान ओं उत्तप्त हेमरुचिरां रविचंद्रवन्नी नेत्रां धनुस्सरजूता कुशपाशशूलं रमैर्भुजैश्च ददति शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृनेन्दुलेखं ऋषि उवाच निशुभं नियतं दृष्ट्वा भातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुंभक्रुधो बब्रीद्वचः बलाबले पादुष्टत्वं मां दुर्गे गर्वमावहं अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धस्य जतिमानिनी देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्रं द्वितीयांका ममापरा पश्येतां दुष्टमय्येव विश्यन्त मद्विभूतय ततः समस्तस्य देवा ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मु रेकैवासी तदाम्बिका देवी उवाच अहं विभूत्या बहुवीर्यः रूपैर्यदास्थिता तच्च हृदं मयैक्येव तिष्ठ महाजौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच तत प्रभृतते युद्धं देव्या शुंभस्य चोभयो पश्यतं सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सरर्वर्षै शीतैस्त्रै तथास्त्रैश्चैव दारुणै तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे जान्यथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्येन्द्र तत्प्रतिघातकर्तुभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरै बभञ्च लीला एव ग्रहु करोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादायत सोऽसुरः सापि दत्कुपिता देवी तनुश्चिदेच्छ चेशुभिः छिन्ने धनुषि
दैतेन्द्र तथा शक्ति मथा ददे चिच्छे ददेवी चक्रेण तम्यप्यस्य करे स्थितम ततः खड्गमुपादाय सतचंद्रं च भानुमत अभ्यधावत् तदा देवी दैत्यनाम दीपेश्वरः तस्य पततैवांशु खड्गं चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तै सतैर्बाणै चर्म चार्क करालमं हताशो स तदा तस्य स्थीन धन्वा विसारथि जग्राहं उद्गरं घोर मम्बिका निधनोद्यत चिच्छेदा पतत तस्य मुद्गरं निशितै सरै तथापि सभ्याधावतं मुष्टिमध्यम वेगवान् संमुष्टि पायतामास हृदये दैत्यपुङ्गव देवस्तं चापि सा देवीं तले नोर सतातयत् तलप्रहाराभिहतो निपतात मही तले स दैत्यराज सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रगृहर्चै हृदेवी गगनमास्थितं तत्रापि सा निराधारा जुजुधे तेन चण्डिका निजुध्यङ्खे तदा दस्य चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिभीष्मयकारकं ततो निजुध्य सुचिरं कृत्वां तेनाम्बिकासः तत्पात्य भ्रामयामास विक्षेप धरणी तले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्यं मुष्टिमुद्यम भयगीत अभ्यधावत तुष्ट्यात्मा चंडिका निधनेच्छया तमायातं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसी स्वगतासुः पपार्तोर्व्या देवीं शूला ग्रवीक्षतं चालयन् सकलां पृथ्वी शाब्दि दीपं सपर्वतं ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतिबाप निर्मलं च भवन्नव उत्पात मेघा सल्काजे प्रज्ञा संस्ते समं जजु सरितो मार्गवाहिन स्तता संस्तत्र पातिते ततो देव गणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बभूर्वृणि हते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगु अबादयं स्तथैवान्ये ननुरु तुश्चाप स्वरो गणा बभुः पुण्यस्तथा भाता सुप्रभो बुद्विभाकरः जजूळु चग्नय शांता शांतादिग् जनित सुनाः ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकमन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्याय एकादशाध्याय ध्यानम ओं बालर विद्युति मिन्दुकिरीटं तुंगकुचं नयनत्रयजुक्तं स्मेर मुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरं प्रभजे भुवनेशीं ओं ऋषिरुवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरवन्नि पुरोगमास्तं कात्यायिनी तुष्ट भूरिष्टं लाभाद् विकासी भक्त्राभुज विकासितासः देवी प्रपन्नार्ती हरे प्रसीद प्रसीद मात अर्गजतोऽखिलस्य प्रसीदं विश्वे सरिपाहि विश्वं त्वमी स्वरं देवी चरा चरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैत दप्यां यते कृष्ण मलंगा वीर्जे त्वं वैष्णवी शक्ति रनन्त वीर्जा विश्वस्य बीजं परमासि माया समोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्यां समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियं समस्ता सकला जगच्छु त्वयि कयापु ऋतमम्बयेत काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति सर्वभूता जदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी
त्वं स्तुता स्तुयते काबा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ दिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमान से ब्रह्माणी रूपधारिणी कौसाम्ब रक्षिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभ वाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुकुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदार सारंग गृहीतं परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे द्रंष्ट धृत वसुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेण ग्रेण हंतु दैत्यानकृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयन जले भूत्र प्राण हरे चंद्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दृष्टा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रदे पृष्टि सोधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती बरे भूति बाभ्र वितामसी नियते त्वं प्रसिदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते इतत्ते वदनं सम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषासुर सुदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हीनस्ति दैत्य तेजांसी सोने न पुर्ज्या चा जगत सा घंटां पातु नो देवी पापेभ्यो न सुता निभ असुरा सृगुव सापंक चर्तितस्ते करो ज्वलं सुभाय खड्ग भवन्तु चंडिके त्वं नता वयम् रुगान शेषान पहंसि तृष्टा रुष्टां तु कामन सकलानभीष्टान त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितं ह्याश्रयतां प्रयान्ति इतत्कृतु यत्कदनं त्वयाद्यं धर्मधुषं देवि महासुराणं रूपैरनेकै बहुर्धात्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीप्ये स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्ते तिमहान्धकारे विभ्रामयत्येत तदीप विश्वं रक्षांसि जतोग्र विशाश्च नागा जत्रार यो दस्यु बलानि जत्र दावानल जत्र तथाविधि मध्ये तत्र अस्थितं त्वं परिपासि विश्वं विशेश्वरितं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकधा रसीति विश्वं विश्वेशवंद्यं भवति भवन्ति विश्वाश्रयं ये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसिद्ध परिपालयन् भीरित नित्यं
यथासुर बधानुनैप सद्यं पापानि सर्वजगतं प्रणमग्नयासु उत्पात पाकजनितांश्च मोहपसर्गान् प्रणतानं प्रसिदन्तं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनीं मीड्ये लोकानां वरदां भव। देवी उवाच वरदां सुरगणा वरं जन्म न सेत्सत तं वृणुध्वं प्रजच्छामि जगदामुपकारकं देवाऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्वदुम्बरि विनाशनम्। देवी उवाच वैवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भश्चैवान्या बुत्पच्छते महासुरौ नन्दगोप गृहं जाता जशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्ज्य हनिष्यामि प्रभवितांस्तु दानवान् भक्षयान्त्यश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाढ़िमी कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो वैहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकं भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्बसि मुनिभिः शम्भुभा भूमौ मम भविष्याम्यजो निजा ततः सतेन नेत्राणं निरीक्ष्यामि जन्मृणीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सताखीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोक मात्मदेह समुद्भवै भरिष्यामि सुरासाकै रावृष्ट प्राणधारकै साकम्भरीति विख्याति तदा जस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा महिमाचले रक्षासिं भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयं सर्वे तस्य स्त्यान ममृतयः भीमां देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्यं महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्यय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोका स्तदा शोष्यन्ति सर्वत इतं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्ज्याहं करिष्यामरि संख्ययम्। ओम इति मार्कण्डेय पुराण सावर्णिके मनंतरे देवी महात्म्ये देव्यास्तुतिर्नाम एकादश अध्याय।